नमस्कार दोस्तों दोस्तों, जब आप लूडो प्ले करते होगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि 6 आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से सिर्फ आप लूडो खेलते वक्त 6 ला सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ध्यान देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लूडो प्ले करते वक्त आप सिर्फ 6 कैसे ला सकते हो, इस चीज़ को जानने के लिए हमने फिर से लूडो को इंस्टॉल किया है गूगल प्ले स्टोर से, और इसके बाद मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लूडो किंग खोला, जो कुछ इस तरीके से खुला हुआ आपके सामने में आएगा, और उसके बाद आपसे सिर्फ पूछेगा लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से हिंदी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ पाए। और मैं यहाँ पर अतिथि के रूप में लॉगिन कर लिया हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ जीके सिंह, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर जीके सिंह अपना नाम लिख दिया है ताकि लगे कि हाँ वीडियो ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम अपना इंटर कर दिया, ओके कर दिया, और उसके बाद जारी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों के साथ खेले इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में आप अपने दोस्तों के साथ ही खेलने वक्त 6 लाना ज़्यादा पसंद करते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 प्लेयर सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मैंने खेले पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का लेआउट आपके सामने में आएगा। और इसके बाद मैं आपको खेल कर और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ 6 कैसे ला सकते हो। अगर आप 4 फ्रेंड के साथ बैठ के खेलते हो तो आप अपना नेट बंद करके खेलें, तब आपको ऐड वगैरह नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है, और मैं यहाँ प्लेयर 1 के पास से मैं चलने भी वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने चल लिया, और उसका प्लेयर 2 और उसका प्लेयर 3 को देखिए 6 आ चुका है, और उसका गोटी भी निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए प्लेयर 4 को भी 6 आ चुका है और उनका भी गोटी निकल चुका है, और कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगा वह 100% वर्किंग है, इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो के ऊपर ध्यान देखिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ में आने वाला है। तो कुछ और गोटी निकलने दीजिए, इसके बाद मैं बताऊँगा कि सिर्फ आप 6 कैसे ला सकते हो। यहाँ देखिए रेड को 6 आ चुका है, फिर से 6 आ गया। तो कुछ इसी तरीके से सिर्फ आपको 6 आता ही दिखाई पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ आप 6 कैसे ला सकते हो, इसलिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लेना है। आप देखिए फिर से यहाँ पे जो है रेट को 6 आ गया था, और उसके बाद देखिए मैंने गोटी को कुछ इस तरीके से निकाला है। गोटी को आपको कुछ इसी तरीके से निकालना है कि जैसे गोटी निकले तो प्रत्येक गोटी को चलना है, ठीक है। और चलने के बाद सारे गोटी को एक दूसरे के पीछे रखना है, जैसे ही आप रखोगे तो सिर्फ आपको 6 आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि रेड कलर वाले को सिर्फ अभी 6 आया था कुछ देर पहले, कुछ इसी तरीके से आता हुआ आपको प्रतीत होगा, और यह पूरे गेम में यानी ओवरऑल सभी के पास से सिर्फ आपको 6 आता दिखाई पड़ेगा। अब से आप प्लेयर 2 यानी रेड वाले को ब्रेकआउट से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ रेड वाले को 6 ही आता हुआ प्रतीत हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा अंक आ रहा है यानी बड़ा वाला अंक आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रतीत होगा। तो चलिए मैं कुछ और खेलता हूँ, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि सिर्फ आप यहाँ से 6 कैसे ला सकते हो। देखिए यहाँ रेड को फिर से 6 आ चुका है, और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर गोटी बढ़ा भी दिया, और उसके बाद देखिए हरा कबारी है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि लगभग यहाँ पर 6 सभी को आ ही रहा है, और कुछ इस तरीके से फिर से रेड को 6 आ गया है, और फिर से यहाँ मैं चलने वाला हूँ। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पे 6 आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चलिए मैं ये आपको बताऊँगा कि इसका ट्रिक क्या है जिसकी मदद से सिर्फ आप 6 ही ला सकते हो ओवरऑल गेम के साथ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक को बड़े ध्यान से देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। देखिए ट्रिक ये है कि जब भी आपका गूटी निकले, मान लीजिए जैसे ही आपका एक 6 आया, तो 6 आने के बाद जैसे गूटी निकल जाता है, तो गूटी निकलने के बाद आपको करना क्या है, तो प्रत्येक गूटी को चलना है, यानी प्रत्येक गूटी को निकाल कर चलना है, और चलने के बाद हर एक गूटी को एक दूसरे के पीछे रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड को रखा है, इसी तरीके से आपको हर एक गूटी को एक दूसरे के पीछे रखना है। जैसे ही आप ऐसे रखोगे तो आपको सिर्फ 6 आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि इसका यह हैक है। जैसे ही आप ऐसा करोगे यानी एक गूटी के पीछे दूसरा गूटी रखोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गूटी दूसरे पे चढ़ जाए, तो ऐसा चढ़ ना पाए इस कारण यहाँ पे सिर्फ आपको 6 आता हुआ प्रतीत होगा। नहीं तो कुछ ऐसा अंक आएगा जो बहुत बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है और सिर्फ आपको 6 आता हुआ प्रतीत होगा। तो यही इसका मेन रीज़न है, और यह काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और यहाँ पर आप देख भी रहे होगे कि सिर्फ आपको यहाँ पर 6 आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चलिए मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि आपको क्या करना होगा।
इसके लिए सिर्फ आपको एक ही कंडीशन है कि जैसे आपको 6 आए और गोटी निकले, तो गोटी निकलने के बाद आपको करना क्या है, तो प्रत्येक गोटी को निकाल लेना। सबसे पहले मान लीजिए 4 बार 6 आए तो चारों बार आपको गोटी निकाल लेना है, और चारों गोटी निकलने के बाद आपको प्रत्येक गोटी को चलना भी है, यानी प्रत्येक गोटी को चलना है और कुछ इसी तरीके से रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड को रखा है, एक गोटी के पीछे दूसरा गोटी, इसी तरीके से आपको भी रखना है। और आप जैसे ही इस तरीके से रखोगे तो आपको सिर्फ 6 आता हुआ प्रतीत होगा, यानी आपको सिर्फ ये करना है कि गोटी सभी गोटी को निकाल लेना है, और सभी गोटी को निकलने के बाद हर एक गोटी को एक दूसरे के पीछे रखना है। अब जैसे ही आप ऐसे रखोगे तो आपको सिर्फ 6 आता हुआ प्रतीत होगा, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आपने यहाँ पे देख भी रहोगे कि रेड वाले को सिर्फ 6 आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए और हमें बताइए कि आपको हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिए फिर से यहाँ पर हरा कलर वाले को 6 आ चुका है, तो इसी तरीके से वर्क करता है। मैंने बताया कि सिर्फ आपको ये कंडीशन पालन करना है, और ये कंडीशन पालन करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पर 6 आता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर मैं जैसा जैसे बताया वैसे वैसे कीजिए, और आप भी हमें करके बताइए कि आपको 6 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए फिर से रेड को 6 आ चुका है, तो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। तो आप भी इस तरीके से कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको 6 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं इसका कुछ ना कुछ सलूशन जरूर बता दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में दे सकते। धन्यवाद।